अपने नाम को यहाँ पर और अच्छा दिखाने के लिए कि हम अपडेट टाइमली प्रोवाइड कर रहे हैं, इस कारण यहाँ पर Xiaomi ने बग से भरा हुआ एक अपडेट को रिलीज किया जिसका वजह था MIUI 12.5.1.3। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम नितो और स्वागत है आप सभी एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आप सभी के काफी डेली कमेंट आ रहे हैं कि यहाँ पर MIUI 12.5 का जो अपडेट है Redmi Note 9 Pro Max इसे कब रिलीज करा जाएगा, क्योंकि काफी वेट हो कर चुके हैं हम लोग और कितना वेट हमें करना पड़ेगा Redmi Note 9 Pro Max के लिए MIUI 12.5 अपडेट का। अगर आप लोग भी एक Redmi Note 9 Pro Max यूजर है तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा और चैनल पर आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। चैनल को आप सभी को यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स की वीडियो देखने को मिलती रहेगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर करिएगा, जितने भी अपडेट्स आएंगे वहाँ पर स्क्रीनशॉट और लिंक्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हर मेरी एक वीडियो आप सभी के लिए एक पोको M2 Pro के बारे में बताइए अपडेट के बारे में और एक यहाँ पर Redmi Note 9 Pro Max के बारे में बताइए। तो हर वीडियो कमेंट में चाहे टेलीग्राम के ऊपर ले लीजिए, यहाँ पर डेली कमेंट आ रहे हैं कि Redmi Note 9 Pro Max के अंदर MIUI 12.5 अपडेट कब रिलीज होगा, क्योंकि यहाँ पर सितंबर के महीने में आप सभी पता होगा कि MIUI 12.5 का जो अपडेट है Redmi Note 9 Pro Max यूजर्स के लिए रिलीज कर दिया गया है। अब यहाँ पर Xiaomi ने सिर्फ नाम बनाने के लिए जो MIUI 12.5 का जो अपडेट है ना वो Redmi Note 9 Pro Max के लिए सितंबर के अंदर रिलीज कर दिया, सिर्फ नाम बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अपने नाम को यहाँ पर और अच्छा दिखाने के लिए कि हम अपडेट टाइमली प्रोवाइड कर रहे हैं, इस कारण यहाँ पर Xiaomi ने बग से भरा हुआ एक अपडेट को रिलीज किया जिसका वजह था MIUI 12.5.1.3 जो कि यहाँ पर रिलीज करा गया था इंडिया के अंदर सितंबर के महीने में ही। और ये अपडेट रिलीज होने की वजह से काफी सारे बग्स वगैरह देखने को मिले और इसी मी पर जिसके लिए रिलीज करा गया था और इस अपडेट को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया। फिर कुछ दिन बाद और एक अपडेट रिलीज हुआ था जिसके अंदर MIUI 12.5.1.4 देखने को मिला, उसको भी यहाँ पर सस्पेंड कर दिया। तो देखा तो यही जा रहा है कि यहाँ पर Xiaomi अपना नाम बनाने के लिए बस यहाँ पर भले टेस्टिंग चल भी रही हो तो भी अपडेट को इन्होंने रिलीज कर दिया। यहाँ पर बग से भरा हुआ अपडेट तो रिलीज करना इनकी खासियत है Xiaomi वालों की, तो Xiaomi वालों ने बग से भरा हुआ अपडेट रिलीज करा फिर उसको सस्पेंड कर दिया सिर्फ एक नाम बनाने के लिए कि हमने देखो Redmi Note 9 Pro Max के लिए यहाँ पर सितंबर के महीने में अपडेट को रिलीज कर दिया, ताकि कोई हमें कह ना सके कि हमने अपडेट इतना लेट क्यों रिलीज किया है। इस खातिर यहाँ पर अपडेट को सितंबर के महीने में रिलीज करा गया फिर उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब रही बात यहाँ पर कंप्लीट यूजर्स के लिए कब अपडेट देखने को मिलेगा MIUI 12.5 अपडेट, तो इस बारे में आपसे भी बता दूं यहाँ पर 15 अक्टूबर तक का आप लोग वेट कर लीजिए, यानी 15 अक्टूबर तक जरूर यहाँ पर इंडिया में अपडेट को रिलीज कर दिया जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ग्लोबल साइड में आज के दिन यहाँ पर MIUI 12.5.1.0 अपडेट रिलीज करा गया Redmi Note 9 S के लिए। और आपसे बता दूं जो ग्लोबल का Redmi Note 9 S है ना वही इंडिया के अंदर Redmi Note 9 Pro Max है, तो ग्लोबल साइड में 1.0 अपडेट को रिलीज करा गया, इंडिया में आपसे जो MIUI 12.5.1.5 देखने को मिलेगा क्योंकि 1.3 भी रिलीज हो चुका है, 1.4 भी रिलीज हो गया। आपसे जो यहाँ पर पब्लिक से जो अपडेट रिलीज करा जाएगा Redmi Note 9 Pro Max यूजर्स के लिए वो यहाँ पर MIUI 12.5.1.5 ही देखने को मिलेगा, जिसका अपडेट साइज यहाँ पर आपको 500 MB तक देखने को मिलने वाला है, इससे ऊपर अपडेट साइज देखने को नहीं मिलेगा। और उम्मीद है कि इस बार यहाँ पर Xiaomi अपडेट प्रोवाइड करेगा तो उसमें बग्स देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पर कंप्लीट यूजर्स के लिए अपडेट को प्रोवाइड करा जाएगा। तो आप लोग वेट कर लीजिए 15 अक्टूबर तक यहाँ पर इंडिया के अंदर Redmi Note 9 Pro Max यूजर्स के लिए MIUI 12.5 का अपडेट रिलीज कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इतना वेट आपसे करना ही पड़ेगा, आपने अभी तक इतना वेट किया तो थोड़ा वेट और कर ही लीजिए, 15 अक्टूबर तक वेट करिए, 15 अक्टूबर तक जरूर इंडिया के अंदर MIUI 12.5 अपडेट को रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा लेट करेंगे तो कंपनी के लिए ही यहाँ पर कंपनी का और नाम खराब होगा। तो यहाँ पर 15 अक्टूबर तक आपसे अपडेट रिलीज करा जाएगा, फिर इसके बाद में आप धीरे धीरे MIUI 12.5 एनहांस्ड एडिशन के ऊपर भी काम करा जाएगा। तो अगर आप लोग Redmi Note 9 Pro Max यूजर है तो इतना वेट कर लीजिए, 15 अक्टूबर तक जरूर आपको इंडिया के अंदर अपडेट देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग बताना कि आप लोग Redmi Note 9 Pro Max यूजर है कि नहीं और आप लोगों को अपडेट यहाँ पर पायलट यूजर से तो मिला था कि नहीं मिला था, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।